आखिर क्यों हो गई कैटरीना कैफ अपने हस्बैंड विकी कौशल तो नाराज। काफी दिना तो चल रहे ओदे ना नाराज ते सुनन च आया हो रही लड़ाई झगड़े। लेकिन उस तो बाद जो लड़ाई झगड़े होंगे अनगिनत ही होंगे, खत्म होने का नाम ही नहीं लगता। कभी तुम मेरे लिए ये नहीं किया, कभी मेरे लिए वो नहीं किया, कभी किसी ने कहना, कभी हस्बैंड ने कहना आ नहीं किया, वो नहीं किया, कभी वाइफ ने कहना ये नहीं किया, वो नहीं किया। यही चलता है व्याह तो बाद जी, यही चलता है, मतलब लड़ाई झगड़े ही। लव तो कभी कभी होंगे, लड़ाई झगड़े ज़्यादा होंगे। मैं तो खैर यही सुनया, पर हूँ ते हों तो मैं पता नहीं। मैं जिन्ना तक सुनया ना अपनी मतलब फ्रेंड सर्कल के होर या रैलेटिव यही होंगे व्याह तो बाद लड़ाई झगड़े जी। अपनी नॉर्मल लाइफ से नहीं बल्कि बॉलीवुड के भी यही होंगे। अगर वाइफ ने किया नाराज तो घर च खुशी नहीं रहनी, मतलब भांडे भी खड़की जाने फिर लगातार जी। उस तरह हो रहा है कि कैटरीना कैफ भी कुछ ज़्यादा ही नाराज नज़र आ रहे अपने हस्बैंड विकी कौशल तो। हाय विकी कौशल जी, हूँ की करता तुसी जी? उन्होंने की किया उही तो मैं तुम्हें दसन वाली हाँ। उन्होंने धर्मा प्रोडक्शन तो जी फिल्म आ रही है गोविंदा नाम मेरा, जी हाँ गोविंदा नाम मेरा उदी नवी फिल्म जी की आ रही है। उस कैमियो करन वाले है रणबीर कपूर। बस तुसी सब समझ गए होने कि आखिर कैटरीना कैफ क्यों नाराज है विकी कौशल। समझ गए ना? बिल्कुल समझ गए भाई। तुसी तो यह जानते हो कि कैटरीना कैफ रणबीर कपूर का काफ़ी देर तक रिलेशन रहा, तो उन्हों का जो ब्रेकअप होया सी वो भी बहुत ही ज़्यादा खराब डिजास्टर, मतलब बहुत ज़्यादा वधिया तरीके ना नहीं होया सी कि ताकि वो अगे फ्यूचर से भी फ्रेंड्स रह सकन, पर इदा का कुछ होया ही नहीं। उन्हों का ब्रेकअप बहुत ही गंदे तरीके दे नाल होया। तो कैटरीना कैफ रणबीर कपूर नू देखना पसंद ही नहीं करते, मतलब उन्हों की दोस्ती तो बहुत दूर दूर की गल, इदा कुछ हो नहीं सकता। उन्होंने नाल गलबात करना भी वो पसंद नहीं करते। तो जो उन्होंने पता लगा कि उन्होंने हसबेंड की फिल्म के कैमियो करन वाले रणबीर कपूर ते कैटरीना जेड़े की हो गए नाराज, नाराज हो गए। वो अपने हस्बैंड तो नाराज हो गए। हुन हस्बैंड जी पीछे पीछे घूम रहे हैं, मेरा मतलब विकी कौशल जी पीछे पीछे मतलब क्यों घूम रहे हैं, किहदे नाल घूम रहे हैं? रणबीर कपूर दे नाल नहीं घूम रहे जी, वो पीछे पीछे घूमनगे अपनी वाइफ दे उन्होंने मनाने वास्ते। जी हाँ, सुनने में आया कि विकी कौशल काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कैटरीना मनाने लई, पर हुन की कर सकते हैं। हुन ए जिहड़ी धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है, करण जौहर की मूवी जी है गोविंदा नाम मेरा, ये तो हूँ जिहड़ी कि जिहड़ी चलनी है वो करण जौहर की चलनी, होर तो किसी की चलनी नहीं। जी हाँ, उन्होंने हूँ कैटरीना कैफ ने जे कहता जी रणबीर कपूर नहीं आ सकता तो करण जौहर ने कहना क्यों भाई, पैसे तो मैं लगा रहा, तुसी लगा रहे हो भाई। हों ना कि ये तो होना ही होना, हूँ जो भी कुछ होना वो तो सिर्फ डायरैक्टर के नाल ही होना, मतलब उन्होंने जो क्या उ होना, होर तो कुछ हो नहीं सकता। हूँ विकी कुछ सिवाए मनान दे अपनी वाइफ ने होर कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अगर कैमियो उन्होंने रणवीर कपूर ने करना तो वह करना ही है। तो तुम मैं दस दवा इस फिल्म से जोड़े हीरोइन है कियारा अडवाणी, तो ये जी एक होर हीरोइन है जिसका नाम है भूमि पेडनेकर। जी हाँ, भूमि पेडनेकर है ये दो हीरोइना के नाल। साडे गोविंदा जी की कर रहे हूँ पता नहीं, मतलब उन्हों का नाम है गोविंदा नाम मेरा। जी हाँ, गोविंदा नाम मेरा हूँ इस फिल्म के रोमांस कर रहे हैं या फिर रोमांटिक ड्रामा हाँ या एक्शन हाँ, फिलहाल इदा का कुछ भी कुछ भी अपडेट नहीं है। इस फिल्म नू थोड़ा राज ही रखा गया, इस फिल्म की अपडेट जो भी आएगी वो तो मैं ही दसना। तो इंतजार करो मैं कदों तुहाडे सामने इहदी नवी अपडेट लैके आ रही हाँ। और तक जुड़े रहो द टीवी एनआरआई एंटरटेनमेंट दे नाल, मेरे नाल। सत श्री अकाल, गुड बाय।